अपना साइलेंट प्रोटेस्ट करना था, वी वांटेड टू गो टू पार्लियामेंट, हमें अपना दिखाना था डिसेंट, बट हमें वो करने ही नहीं दे रहे हैं। जब से ये गवर्नमेंट फ्रेम हुई है तब से यहाँ पे डिसेंट एकदम खत्म हो चुका है इंडिया में। आप नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, आप यू कैन नॉट रेज योर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन एनी फॉर्म। आज आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्टिकल 19 भी जो हमें प्रोवाइड करता है कि पीसफुल असेंबली की बात करता है वो, यानी कि हम चुपचाप अगर शांति से कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। पर इन्होंने आज हमारे ऊपर लाठी चार्ज की, लड़कियों के ऊपर लाठी चार्ज करी। यहाँ पे ये बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की और नारी सुरक्षा और बेटी बचाओ की, इस तरीके से ये बेटी बचाते हैं, लड़कियों के ऊपर सर पे लाठी मार के। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका एग्जाम है कल। 18-20 साल के बच्चे हैं, आप उनको वायलेंट बता रहे हैं, जिनके हाथ में गन है, जिनके हाथ में पैलेट है, जिनके हाथ में वाटर कैनन्स है, वो वायलेंस नहीं कर रहे हैं? प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं था पहले? यहाँ से एक सिंपल मार्च निकाला जा रहा था जो कि हम पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे, क्योंकि वहाँ जो अंदर बैठे रहते हैं उनको वैसे तो आवाज़ नहीं सुनाई देती है। आप ट्विटर पे चीख लीजिए, कहीं भी चीख लीजिए, कितना टैग कर लिए, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है कि पब्लिक को क्या चाहिए, उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। तो वहाँ उनको बताने जाया जा रहा था और बहुत साइलेंटली जाया जा रहा था, सिवाय हम लोग के प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स के अलावा किसी के पास कुछ नहीं था। उसके बाद जब सामने से आपके ऊपर टीयर गैस डाले जाएंगे, आपके ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा, कुछ तो सेल्फ डिफेंस, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।